अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो आज ग्रेड 6 जनरल साइंस की जो बुक है आपकी, ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस बुक 1, इसकी यूनिट 8 एनर्जी के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 93 पे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की आपके पास स्टेटमेंट है, मेक अ टेबल विथ 4 कॉलम्स। आपने एक टेबल बनाना है जिसमें 4 कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। कॉलम्स मीन्स के इस तरह से वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए। हैड दम थिंग्स विथ केमिकल एनर्जी थिंग्स, काइनेटिक एनर्जी थिंग्स, पोटेंशियल एनर्जी थिंग्स एंड हीट एंड लाइट एनर्जी। फिलिंग द टेबल विद एज मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एज यू कैन। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि आपने क्या करना है कि 4 कॉलम्स बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास लंबाई में इस तरह से वर्टिकली 4 कॉलम्स बने हुए हैं, और आपने इनमें हर एक कॉलम में आपने क्या करना है कि थिंग्स विद केमिकल एनर्जी, एक कॉलम होगा थिंग्स विद केमिकल एनर्जी का, दूसरा होगा विद काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल, और फिर लास्ट में आपके पास हीट एंड लाइट एनर्जी। अब इसमें आपने क्या करना है, कॉलम्स में आपने जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आपने एग्जांपल देनी है। किस चीज़ की एग्जांपल देनी है? फर्स्ट कॉलम में आपने एग्जांपल देनी है उन चीज़ों की जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, सेकेंड आपने देनी है जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्ड में वो चीज़ें जिसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और लास्ट में आपने वो चीज़ों की एग्जांपल देनी है जिसमें लाइट और हीट एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये सारी एनर्जी की आपके पास फॉर्म है, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, लाइट एंड हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी की एग्जांपल आपके पास आ जाती हैं फूड, कोल एंड पेट्रोल। इन ये तीनों क्या है, इससे आप डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते। फूड से एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती है, ये आप इसकी ब्रेक डाउन होती है आपकी बॉडी में, तो फिर आप इससे एनर्जी गेन करते हैं। इसी तरह से कोल एंड पेट्रोल से एनर्जी आप कैसे लेते हैं, इनको बर्न करके आप एनर्जी लेते हैं। तो इनमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो उसकी जो फॉर्म होती है वो है केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उन चीज़ों में होती है जो चीज़ मूव कर रही होती है, ठीक है, जैसे कि मूविंग कार है, मोशन में कोई भी चीज़ मोशन में, तो इसमें जो एनर्जी की फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद है बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। गन से जब बुलेट फायर होती है तो वो तेज़ी के साथ मूव करती है बुलेट, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद आ गया एयरप्लेन, एयरप्लेन भी मूव कर रहा होता है तो इसमें भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। देन आपके पास इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर टॉप पे है और वहाँ से वो फॉल करती है, नीचे की तरफ आ रही है, तो उसमें भी आपके पास जो वो नीचे मूव कर रही होती है, ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रही होती है, कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसमें भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो चीज़ मूव कर रही है, ऊपर से नीचे आते हुए मूवमेंट हो रही है, इट मीन्स कि इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है कोई भी चीज़ जो हाइट पे मौजूद है, जैसे कि टेबल पे आपके पास बुक पड़ी है, बुक ऑन द टेबल, तो उस बुक में आपके पास, अच्छा यहाँ पे टुक लिखा हुआ है, इट्स नॉट टुक, इसकी करेक्शन आप कर लेना, इट्स बुक, ठीक है, BOOK, बुक ऑन टेबल। टेबल के ऊपर जब बुक पड़ी होती है वो भी हाइट पे मौजूद है ज़मीन से, तो इसमें जो एनर्जी की फॉर्म है वो है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसके बाद है फ्रूट्स ऑन ट्री, ये भी हाइट पे होते हैं, दरख्त के ऊपर जो फ्रूट्स लगे होते हैं, हैंग कर रहे होते हैं, इनमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। चाइल्ड एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, स्लाइड के टॉप पे जब आप खड़े होते हैं तो आप भी हाइट पे मौजूद हैं, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसके बाद लास्ट कॉलम में वो चीज़ें लिखनी है जिसमें हीट और लाइट एनर्जी होती है। इसमें आ जाता है आपके पास सन, सन से आप एनर्जी दो तरह से ले सकते हैं, लाइट की फॉर्म में भी आती है और हीट की फॉर्म में भी आती है। इसके बाद है फायर, फायर भी आग जब लगती है उसमें आपके पास लाइट एनर्जी भी होती है और हीट एनर्जी भी होती है। इसके बाद है लाइट बल्ब, बल्ब जब जल रहा होता है तो उसमें से एक तो आपको लाइट मिलती है, इसके अलावा जब बल्ब जल रहा होता है तो वो थोड़ा सा हीटअप भी हो जाता है, वो हीटअप जो हो रहा होता है उसमें से हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई हैं, तीन तीन एग्जांपल मेंशन किए हैं, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 से 4 एग्जांपल इनफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन मशीन्स एनर्जी इज़ ऑफन वेस्टेड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, व्हाट फॉर्म्स डज दिस वेस्टेड एनर्जी टेक। मशीन्स में एनर्जी जो होती है वो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है। फ्रिक्शन किसे कहते हैं? रगड़ को कहते हैं। रगड़ जो होती है जब, तो उस मशीन के जो जब चल रही होती है उसमें कोई पार्ट्स होते हैं, वो आपस में जब रगड़ उनकी होती है, फ्रिक्शन होती है, तो उस वक्त एनर्जी लॉस होती है। आपने ये बताना है कि वो जो एनर्जी लॉस होती है वो किस फॉर्म में होती है। सो आंसर इसका है कि ड्यू टू फ्रिक्शन इन मशीन्स एनर्जी इज़ ऑफन वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड एनर्जी। अक्सर आपको मशीन में से आवाज़ आ रही होती है, ठीक है, वो क्या होता है, कोई इसका पार्ट ख़राब होता है या इस फ्रिक्शन हो रही होती है, तो उसकी वजह से वो जो एनर्जी होती है वो साउंड के फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है, साउंड एनर्जी इसको कहते हैं। इसके अलावा वो हीटअप भी हो जाती है मशीन, तो वो भी हीट एनर्जी भी रिलीज़ हो रही होती है, तो हीट और साउंड एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है।
एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम व्हेन बायोमास इज बर्न्ड एज अ फ्यूल। अच्छा, अब आपने इसमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि फॉसिल फ्यूल्स की जो बर्निंग होती है उसके जो डिसएडवांटेज है फॉसिल फ्यूल का और बायोमास की जो बर्निंग होती है, तो वो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, क्या कौन सा डिसएडवांटेज है जो दोनों में कॉमन होता है बायोमास को जब हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोमास क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को कहते हैं, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है ये सब। ऑल द बायोमास इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बायोमास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसमें से हम एनर्जी दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो होता है जिसमें से एक दफ़ा आपने एनर्जी ले ली है तो दोबारा वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि पेट्रोल हो गया। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आपके पास आता है, इसमें आता है कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इनको आप बर्न करते हैं जब, तो एक दफ़ा इनकी बर्निंग हो जाए तो दोबारा आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिसमें जो आपके पास अवेलेबल होते हैं उसमें से आप एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है इनको बनने में भी हज़ारों साल लग जाते हैं, तो ये आपके पास अवेलेबल नहीं होते अगर आप एक दफ़े यूज़ कर लें। तो बायोमास आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इट स्टिल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस व्हेन इट इज़ बर्न, सो इट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल्स इफ नॉट यूज्ड इन कंट्रोल वे। फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो इसमें से गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस गैस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो जब बायोमास भी हम बर्न करते हैं और कंट्रोल वे में बर्निंग नहीं हो रही अगर प्रॉपर तरीके से, तो इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होती जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, एज अ ग्रीन हाउस, क्योंकि ये गैस एक्ट करता है, ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं वो, और वो रिलीज़ नहीं होने देता। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा तो वो हीट ज़मीन के ऊपर ही, अर्थ के ऊपर ही रहेगी, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगी, तो उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं अर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोल एंड ऑयल आर इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज, डिस्क्राइब हाउ एनर्जी फ्रॉम द सन बी स्टोर्ड इन कोल और ऑयल। कोल और ऑयल जो है ये दोनों फॉसिल फ्यूल है और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि आप डिस्क्राइब करें कि सन से जो एनर्जी होती है वो कोल और ऑयल में कैसे स्टोर्ड होती है। अच्छा, इसके लिए आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कोल और ऑयल जो है वो बनते कैसे हैं। प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड, प्लांट्स सन से एनर्जी लेते हैं, सन लाइट लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि एनर्जी फ्रॉम द सन इज स्टोर्ड एज फूड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन प्लांट्स। प्लांट्स में सन की जो एनर्जी होती है सनलाइट, वो अब स्टोर्ड हो गई है, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में प्लांट में अब स्टोर्ड हो गई। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू एनिमल्स व्हेन एनिमल्स ईट दीज प्लांट्स, जब एनिमल्स इनको ईट करते हैं, खाते हैं प्लांट्स को, तो ये जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी, ये प्लांट से एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाती है। कोल एंड ऑयल, अच्छा यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है, इट्स नॉट कॉल, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये COAL कोल लिखा हुआ है। कोल एंड ऑयल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इन दिस वे एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ ट्रांसफर्ड एंड स्टोर्ड इन कोल एंड ऑयल। अच्छा, अब इसको मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोल और ऑयल जो है ये फॉसिल फ्यूल है, ये दोनों कैसे बनते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाती हैं, तो हज़ारों साल बाद इनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं ये डिकम्पोजिशन की वजह से ये इससे फॉसिल फ्यूल में बन जाता है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स कि इनमें से इसे कोल, पेट्रोल या फिर नेचुरल गैस बन जाती है ड्यू टू डिकम्पोजिशन, लेकिन इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो हाउ दीज कोल एंड ऑयल आर फॉर्म, दीज आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब इनकी डेड बॉडीज़ की डिकम्पोजिशन हो जाती है तो इसके बाद इसमें से बनते हैं कोल और ऑयल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि कोल और ऑयल हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से आ रहे हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स में सन एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। सो इससे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू फाइंड न्यू वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी।
क्यों आपके पास ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए नए से नए तरीके आपके पास हों। रीज़न इसकी है कि चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंजेस, पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द यूज़ ऑफ फोसिल फ्यूल। वैसे तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं फोसिल फ्यूल्स को बर्न करके, लेकिन क्योंकि फोसिल फ्यूल्स के बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा बाकी इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं इसकी वजह से, जैसे कि एक मैंने आपको स्टार्ट में भी एक्सप्लेन किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके अलावा भी न्यू वेज कुछ जो है वो जनरेट करें जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप स्किप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आ गए हों, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।